दोस्तों, फ्रांस ने पूरी दुनिया को बहुत कुछ दिया है। दो विश्व युद्धों में फ्रांस को बहुत सारी क्षति हुई, पर उसके बावजूद और कहीं तो उसकी बदौलत उनके साहित्य में नई तरह की मानवता, नई तरह की संवेदनाएं आई हैं। फ्रांस की ऐसी ही संवेदनाओं को पकड़ता एक कवि है, जॉक प्रेवेर, अगर मैं ये नाम सही ले पा रहा हूँ। आधुनिक फ्रांस के सबसे महत्वपूर्ण कवियों में से एक ये रहे हैं, बहुत मकबूल रहे हैं, और इनका समय रहता है वर्ष 1900 से लेके 1977 तक का। जॉक प्रेवेर का जो राजनीतिक झुकाव रहा है वो वामपंथ की ओर रहा है, पर उनकी जो कविताएं हैं, उनका जो रचना संसार है, वो सर्वथा परे रहता है उनकी राजनीतिक विचारधारा से, और वो नितांत मानवीय होकर अपनी कविताओं को लिखते हैं, और इसीलिए उनकी कविताओं में वैश्विक मूल्य निहित होते हैं। श्रेणिक बिंबिसार, आप कुरुक्षेत्र में फिलहाल हैं, आप विभागाध्यक्ष रहे हैं भूविज्ञान विभाग में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में, आपने इनकी कविताओं का फ्रेंच से सीधा हिंदी में अनुवाद किया है, क्योंकि फ्रेंच कविताओं के साथ हमारे यहाँ पर एक ये सीमा है कि पहले वो अंग्रेज़ी में अनुदित होती हैं, फिर वो हिंदी में आती हैं। पर डॉक्टर श्रेणिक बिंबिसार, क्योंकि 7 साल फ्रांस में रहे, उन्होंने अपना शोध कार्य वहीं पर किया था, और अपने वहाँ के प्रवास के दौरान उन्होंने जो फ्रांसीसी जो साहित्य है उसको बहुत गहराई से पढ़ा था और समझा था, खास तरह की उनकी दिलचस्पी उस साहित्य के साथ, उस भाषा के साथ रही है। तो जब यहाँ पर डॉक्टर साहब आते हैं तो फ्रेंच भाषा को जीने का, व्यवहार का कोई और जरिया जब उनको नहीं दिखता, तो उन्होंने इन रचनाओं को फिर फ्रेंच से हिंदी में अनुवादित किया है, और ये रचनाएं अब फाइनल वर्जन में हैं, हमारे सामने हैं। पर डॉक्टर साहब ने एक एक रचना को लेकर परसों बरस काम किया है, एक एक शब्द पर मेहनत की है, बार बार उनके जो एक तरह से कहें तो संस्करण आते रहे, फिर बहुत देर में जाके वो अंतिम स्वरूप अपना ग्रहण कर पाए। और डॉक्टर श्रेणिक बिंबिसार जी की ये जो रचनाएं हैं, अनुदित रचनाएं हैं, वागार्थ एक मासिक पत्रिका है जो कोलकाता से निकलती है, उसमें छपी हैं, और 2012 के आसपास के जो अंक हैं वो इन रचनाओं के प्रकाशन का वहाँ पर समय रहा है। तो अभी मैंने डॉक्टर साहब की वॉल पर ये कविताएं देखी, तो उन्हीं कविताओं में से एक कविता मैं चाहता हूँ कि आपके सामने पढ़ूँ, और इस कविता का शीर्षक है निराशा एक बेंच पर बैठी है। ये बुढ़ापे की ओर इशारा करती एक कविता है, पर हमें ये उम्मीद से भरती है, हमें ये निराश नहीं करती, और ख़ास तरह से हमें संवेदनशील होने का आग्रह करती है। इसके अलावा इस कविता के जो अर्थ हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर स्पष्ट होंगे जब मैं इस कविता को पढ़ूंगा। निराशा एक बेंच पर बैठी है, एक चौक में एक बेंच पर एक आदमी है जो तुम्हें बुलाता है जब तुम गुजरते हो। आंखों पर बिना डंडी का चश्मा, एक पुराना भूरा सूट, बुझे हुए सिगारों की तंबाकू से बनी सिगरेट पीता है वह बैठा है, और वो तुम्हें पुकारता है जब तुम गुजरते हो, या वह तुम्हें केवल इशारा करता है, उसकी ओर मत देखो, उसकी आवाज न सुनो, सिर्फ गुजर जाओ। ऐसे दिखो कि उसे देखा ही ना हो, कि जैसे उसे सुना ही ना हो, तेज कदमों से गुजर जाओ। यदि तुम उसकी आवाज सुनो, वह तुम्हें केवल इशारा करता है और कुछ नहीं, वह तुम्हें रोक नहीं सकता,
यदि तुम उसके पास बैठने जाओ तब वह तुम्हें देखता है और मुस्कुराता है और तुम्हें गहन पीड़ा होती है। वह आदमी मुस्कुराता रहता है और तुम भी उसी की तरह मुस्कुराते रहते हो, ठीक वैसे ही। जितना अधिक तुम मुस्कुराते हो उतने ही अधिक भर जाते हो दर्द से। जितनी अधिक टीस उठती है उतनी ही अधिक तुम्हारी मुस्कान खिलती है। उसे तुम रोक नहीं पाते और वहीं ठहर जाते हो, बैठे हुए जम जाते हो बेंच पर मुस्कुराते हुए। बच्चे खेल रहे होते हैं बिल्कुल तुम्हारे पास, गुजरने वाले गुजरते हैं चुपचाप, पंछी उड़ते हैं एक पेड़ को छोड़ दूसरे पर जाने के लिए, और तुम वहीं बैठे रहते हो बेंच पर क्योंकि तुम जानते हो फिर कभी न खेल सकोगे तुम इन बच्चों की तरह। तुम जानते हो कि फिर कभी न गुजर सकोगे तुम एक पेड़ को छोड़ दूसरे पर जाने के लिए इन पंछियों की तरह। तो मित्रों, ये थी ज़ॉक प्रेवेर की एक कविता जिसका अनुवाद किया श्रीनिक बिंबिसार जी ने। शीर्षक उन्होंने इस कविता को दिया, निराशा एक बेंच पर बैठी है।